एक कमरों में पांच पांच आठ आठ लोगों का परिवार रहता है। इस सीमा के आगे हमें जाने की इजाजत नहीं है। इन्हें दूर कर ले, मेरे तो दूर कर ले। देखिए इनकी भाषा आप देखिए, भागड़ बढ़ है मेरी जबान, कृपया दूर कर ले। ये रोडवेज की बसों में पुलिस भर भर के गई थी। ये करीब करीब हवाई जहाज से की जाने वाली पत्रकारिता की तरह है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त मैं खोरी गांव के बाहर के हिस्से में हूं और जब मैंने एंट्री करनी चाही तो सूरज कुंड गेट पर पुलिस वालों ने कहा कि पत्रकारों की एंट्री नहीं। थोड़ी मुश्किल से जाकर एंट्री हो पाई। कोई सूबे सिंह हैं जो पीआरओ हैं, उन्होंने इजाज़त दी तो मेरी एंट्री हुई। लेकिन उस इजाज़त का मतलब ये था कि आपको, ये कोई होटल है विशाल फाइव स्टार सरोवर पोर्टिको नाम है इसका, जहाँ से कि 12वीं मंजिल से हमें पत्रकारिता करने को कहा गया कि 12वीं मंजिल पर आप जाएं और वहाँ से देखें कि खोरी गांव के गरीबों का जो घर टूट रहा है वो कैसे टूट रहा है। गांव में घुसने की इजाज़त हमें नहीं दी गई और कहा गया कि ये जो होटल दिख रहा है, देखिएगा, ये यहाँ से हमारी 12वीं मंजिल पर हम पत्रकारिता करेंगे। चूंकि कैमरा बहुत देख नहीं पा रहा है, नहीं तो वो जो दो बालकनी जैसा दिख रहा है, एक में बालकनी में पत्रकार ऑलरेडी मौजूद। तो अब हम यहाँ से उस 12वीं मंजिल की भी यात्रा कर लेते हैं एक बार। जब भारत में पत्रकारिता की बात होती है तो अक्सर कहा जाता है कि सरकारें गरीबों और मजलूमों के लिए बेहतर कानून बनाती हैं। ज़रा सोचिए कि जिनके घर टूट रहे हैं उनके घर की तकलीफ़ों को बोलने के लिए, वो घर टूट रहे हैं तो जो उसका कष्ट है वह पत्रकार ना दिखा पाएं, इसके लिए डबल इंजन की सरकार, ये खट्टर की सरकार है, ये हरियाणा का फरीदाबाद है। फरीदाबाद में खोरी गांव है जहां करीब 1,00,000 लोग रहते हैं। उनमें से 40-50 घर सरकार ने तोड़ दिए हैं और तोड़ सरकार इसलिए रही है कि महामहिम सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उन घरों को तोड़ दिया जाए, क्योंकि उससे पहाड़ी की रक्षा खत्म होती है। जबकि पहाड़ियों की तरफ अगर आप निगाह डालें, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, आगे सूरज कुंड, वो देखिए राजहंस और क्या क्या का बोर्ड लगा हुआ है, वह सब कुछ बन रहा है, लेकिन इन लोगों के रहने से टूट जाता है। यहाँ तक कि ये होटल भी बना होगा इसी भूमि पर, बाकी चीज़ें भी बनी होंगी। ज़रा देख लीजिए, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से हमें पत्रकारिता करने का आदेश प्राप्त हुआ है कि इसके 12वीं मंजिल पर जाइए और वहाँ से देखिए काक चेष्टा से कि वहाँ कैसे घर गरीबों के टूट रहे हैं। उसके अलावा आप मौके पर जाके, मैं दिल्ली से आया हूँ करीब 50 किलोमीटर की यात्रा तय करके, लेकिन यहाँ मैं 1 किलोमीटर आगे नहीं जा सकता क्योंकि हमें इजाज़त नहीं दी गई। बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली है। खैर, आइए चलते हैं उस 12वीं मंजिल पर भी, जहाँ से कि हम खोरी गांव के गरीबों की हालत उस 5-स्टार होटल से होते हुए देख पाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमें जो इजाज़त मिली है खोरी गांव की रिपोर्टिंग करने का, जो गांव उजड़ रहा है, लाखों लोग रहते हैं उस गांव में, सुप्रीम कोर्ट और सरकार का कहना है वह लोग अवैध रहते हैं और उसकी वजह से पर्यावरण खराब होगा और उन लोगों ने अतिक्रमण किया है। हालांकि यह होटल उससे 1 किलोमीटर दूर है और यहां से, मतलब वह लोग जिनकी हमें पत्रकारिता करनी है, वह किसी तरह जीवन जीते हैं। एक कमरों में पाँच पाँच आठ आठ लोगों का परिवार रहता है, महीने में 5,000, 7,000, 10,000 की कमाई है। लेकिन जिस होटल से हमें इजाज़त मिली है रिपोर्टिंग करने की, उसकी मैं ऊँचाई आपको दिखा रहा हूँ। देखते चले जाइए और गिनते चले जाइए, हमारा नंबर 12वीं फ्लोर पर है और 12वीं फ्लोर से हम अपनी बात कहेंगे और ये हमें इजाज़त मिली है। ज़रा देखिए, ये एक दिन के कमरे का 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक रेट होता है, जैसा जिसका कमरा, जितना स्पेस। लेकिन हम दुख इस मंजिले से चढ़कर कहेंगे हमें इतनी इजाज़त दी गई है। ये डबल इंजन की सरकार, मोदी और खट्टर की सरकार है हरियाणा की, जिसने पत्रकारिता की इतनी कद्र की है कि उसने गरीबों की रिपोर्टिंग के लिए 5-स्टार होटल का 12 मंजिला चुना है। हम अब 12 मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये हमें रास्ता बता रहे हैं कि कैसे हम 5-स्टार के 12वीं मंजिल पर पहुंचे और ये यहाँ काम करते हैं। क्या करते हैं भाई आप? मेंटेनेंस सुपरवाइजर। अच्छा, मेंटेनेंस सुपरवाइजर, रुकिए जरा, इन ये है मेंटेनेंस सुपरवाइजर। आपकी तनख्वाह यहाँ कितनी होगी? 15,000 ये बताइए, यहाँ कमरे कितने रुपए से कितने रुपए? कमरा नहीं है ये। अच्छा, क्या है ये? कमर्शियल बिल्डिंग है, ऑफिस लाइन है।
ये करीब करीब हवाई जहाज से की जाने वाली पत्रकारिता की तरह है कि सरकार के बीच ऐसी पत्रकारिता की सुविधा आपने पहले न देखी होगी। आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि हवाई जहाज का जो छोटा सा कोना होता है जहां से अक्सर मोदी जी हवाई यात्राएं करते हैं, वैसी यात्राएं हम पत्रकारों को उपलब्ध कराई गई हैं। और ये कमाल का है, जरा देखिए, ये है खोरी और जिस होटल पर या जो भी है ये इलाका, इस जगह पर जो हमें जगह दी गई है वो 12वीं मंजिल है और यहाँ से हमें सुविधा है कि इसमें पुलिस का डंडा नहीं दिख रहा है, ना वो हिस्से दिख रहे हैं जो काले पीले हो जाते हैं हम पत्रकार दिखाने लगते हैं, ना वो रोते गिड़गिड़ाते लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे खूबसूरत माहौल है, नज़रिया है, ये सरकार है और हमारी पत्रकारिता है। हालांकि कोई पत्रकार शायद ना बोले कैमरे पर, यहाँ से दिखा पा रहा हूँ, चूँकि कैमरा महंगा वाला नहीं है इसलिए ज़्यादा साफ नहीं दिख रहा है, और ज़्यादा साफ भी दिखता तो क्या दिखता। लेकिन ये खूबसूरती आप महसूस करिए, कभी भी जब आप ज़मीन पर होते हैं तो सच बहुत नज़दीक से दिखाई देता है, वो बज बजाती नालियाँ, वो बच्चे, वो कुपोषित बच्चे, वो लोग, वो महिलाएँ, वो अपराध, वो नाली, वो पानी, गंदगी सब दिखाई देता है जो लोकतंत्र का सच होता है। लेकिन कमाल का आइडिया है खट्टर सरकार की, पीआरओ साहब ने इजाज़त दी, हो सकता है हमें खदेड़ दें, मुझे नहीं मालूम कितनी देर यहाँ टिकने देंगे, लेकिन जितनी देर भी टिकने देते हैं उतनी देर सच बोलने से तो नहीं रोका जा सकता। और देखिए आप, सच का ये मुआयना है, ये पुलिस की गाड़ियाँ भी कितनी सुंदर लग रही हैं, जिसमें से डंडे रखे होंगे, लाठी होगी, सब कुछ होगा, और यह सब कुछ निपटा दिया जाएगा इस नाम पर कि अवैध है। जरा सोचिए कि अवैध इलाके इन्हीं अवैध इलाकों के बदौलत चलते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने वाले मजदूर, काम करने वाली बाइयाँ, इनके सामान ढोने वाले लोग, बिजली पानी देने वाले मैकेनिक, यह सब कुछ इसी हिस्से में होते हैं। और ये विशाल हिस्सा है, करीब 1 लाख से ज़्यादा की आबादी है, आप घर को ही करीब 1 लाख गिन सकते हैं, ये लाखों की संख्या है। ये देखिए, कुछ लोग देखना चाह रहे हैं दूर से, इनके पास दूरबीन की सुविधा है और उससे वो देख पा रहे हैं कि दूर क्या क्या हो रहा है। हालांकि ये सुविधाएं हम पैरों से अपने जाकर पूरी कर सकते थे, लेकिन ये अधिकार नहीं दिया गया। अब पुलिस वालों से लड़ने की हिम्मत हम चंद पत्रकारों में तो है नहीं, वैसे भी पत्रकारिता का बड़ा हिस्सा बड़ा ही विभाजित हो चुका है। उसको लगता है कि सरकार यह सब कुछ विकास के लिए कर रही है और वो विकास के आईने में इसको जो है गंदगी की तरह देखता है। क्या अंदर तोड़ फोड़ हुई है? नई बस्ती, नई बस्ती में शर्माइए नहीं, बोलिए, हुई है तोड़ फोड़ जी? हुई है, आगे हुई है। इस सीमा के आगे हमें जाने की इजाजत नहीं है, देखिए इशारा कर रहे हैं पुलिस वाले साहब और शायद वो हमें मना करने के लिए आ रहे हैं। जी जनाब बोलिए, क्या कहते हैं? इन्हें दूर कर ले, मेरे तो दूर कर ले, चल यो ही कह रहे हो, मेरे से दूर हो। देखिए इनकी भाषा आप देखिए, आप दूर हो ले, मैं ठीक हूँ, पत्रकार हूँ और ये मुझे कह रहे हैं दूर कर, मेरे से दूर कर। फिर पीआरओ ला रखे सरकार ने, उनसे पूछा जो पूछना, हम उसे पूछो, पूछना मेरे से क्यों पूछ रहा है? नहीं, आपकी जुबान कुछ गड़बड़ नहीं लगती? हाँ गड़बड़ है मेरी जुबान, तू अपने दूर कर, मेरे दूर कर ले, मेरे से मैं कह रहा हूँ, मेरे मत, मैं नौकरी करना रहा हूँ, तेरे पत्रकार का जवाब ना देना है, दूर रख मेरे से। ये जमीन पर गए थे, इन्होंने अपना काम किया और हमें हवाई सर्वेक्षण के लिए होटल के ऊपर भेज दिया गया। ये गाड़ियाँ निकल रही अपना काम करके, घरों को विध्वंस कर चुकी, लेकिन कोई घाट धब्बा नहीं है इनका, कोई निशाना नहीं है खून का। और ये देखिए, ये सभी लोग गए, इंडिया टीवी को भी इजाज़त थी जाने की, क्योंकि वो मौसम दिखा रहा होगा, और पुलिस वाले भी गए थे। सिर्फ उन पत्रकारों को रोक दिया गया जिनसे मोदी जी को दुश्मनी, कई बार कहते हैं ना ये माइक उठाए कहीं से चले आते हैं, उन वाले पत्रकारों से इनको बहुत परेशानी है। इनको लगता है कि हर आदमी वो दलाल पत्रकार क्यों नहीं बन जाता है, इसका बहुत कष्ट है, और उसी वजह से नहीं घुसने दिया गया पत्रकारों की बड़ी जमात। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।